मजदूर से टकराएगा। मैं यूपी के जिला बिजनौर से बिलोंग करती हूं और देखिए हमारी जो मांगे हैं सरकार से, मांगे ज़्यादा नहीं है। सरकार हमें मिनिमम मानदेय दे रही है तो 18,000 दे, और नहीं तो फिर हमें सरकारी कर दे। जब तक सरकारी नहीं करती, जब तक हमें सरकार 18,000 मिनिमम मानदेय दे। जैसे हमारे कार्य हैं, हम कार्य करते हैं टीकाकरण, पल्स पोलियो हमने देश को मुक्त किया है। जो आशा बहनें बाद में आई हैं, पहले आंगनबाड़ी थे, 1975 से हमें तैनात किया था और जब से आज तक सरकार हमारी अनदेखी कर रही है। फतेहगढ़ साहब पंजाब तो माण गुलाब तो है, तो आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर हैं। जो इतने रैली इतनी हो रही है दिल्ली के, असं सरकार को दसना चाहते हैं कि किवें आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर भैन जो कि पटियाले भी धारना देता है, जलंधर भी, गुरदासपुर भी, तो चंडगढ़ मोहाली के भी हरेक पासे नाल धक्केशाही हो रही है। जिहड़ी सरकार साडियां मंगां नहीं मन रही हैगी। अजकल महंगाई का टाइम है, जो सानू माण भत्ता मिल रहा है वह पूरा नहीं, मतलब जो असीं अपनी फैमिली पाल सकी। 2014 में बीजेपी की केंद्र में सरकार बनी तो बड़ा उत्साह था, और बड़े उत्साह के साथ हमने तन मन बिल्कुल लगा के सोचा कि हाँ मोदी जी आएंगे और हमारी 28 लाख बहनों को देखेंगे। पूरे भारत में 28 लाख बहनें हैं। एक बार भी, अब 4 साल होने जा रहे हैं, सरकार ने, केंद्र वाली ने कुछ नहीं किया। अब आती है यूपी की सरकार, यूपी में प्रचंड बहुमत लेके सरकार आई, ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो अभी तक नहीं हुआ था। उसमें भी एक हमारा उत्साह था और हमारे मन में था कि चलो यूपी में हमारी सरकार आई है बीजेपी की, और केंद्र में भी बीजेपी की है, दोनों सरकारें मिलकर हमारा कुछ करेंगी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। अब हमारे हाथ लग रही है मायूसता। तो या तो सरकार हमसे जो अगर के अलग 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 के काम लेती हैं वो काम ना लें, और अगर वो काम ले रही हैं तो जैसे टीचरों को 7वां वेतन, 6ठा वेतन, इसका लाभ आंगनवाड़ी बहनों को भी मिलना चाहिए। मैं आंगनवाड़ी वर्कर हिमाचल प्रदेश से हूँ, और जो हमारी हिमाचल की परिस्थिति है बहुत भौगोलिक परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, और जो सरकार हमें मानदेय देती है, वेतन नहीं देती है, हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करना चाहिए। और सरकार जो है ना हमें पेंशन देती है, पेंशन का प्रबंध भी करना चाहिए, पेंशन भी हमारी आंगनवाड़ी वर्कर को लगनी चाहिए। जब हमारे वर्कर जो है, आंगनवाड़ी वर्कर जो है 30-35 साल विभाग में काम करती है और खाली हाथ घर जाती है। हाँ, घर नहीं है हम लोग को, जमीन नहीं है, छोटे छोटे रूम में रहता है, बच्चा छोटा छोटा है, कमाते हैं तो 500-600 टका महीना में मिलता है। छोका बर्तन करते हैं, साफ सफाई में रहते हैं, पैसा नहीं बढ़ाते हैं, दोनों साँझ दुखते हैं साँझ भोर। हम लोग को काम चाहिए, दोसर सरकार हम लोग को काम दीजिए, दूसर काम करेंगे हम लोग, उसमें रोजी रोटी नहीं चलता है। शिवपुरी जिले से नरवर ब्लॉक सुनारी ग्राम, मुझे कम से कम 25 बरस होने को आए हैं इस ICDS से जुड़े हुए। मैं कार्यकर्ता हूं, लेकिन अभी तक मानदेय हम लोगों के विश्वास के अनुसार नहीं बढ़ा है। माने प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करती हूं हाथ जोड़ करके कि हमारा जो मानदेय है उसको वेतन में किया जाए, कम से कम 18,000 तो हम लोगों का किया जाए। दूसरी बात, महिलाओं का शोषण इतना नहीं होना चाहिए। हम लोगों से इतना काम लिया जाता है कि उसके अनुसार हम लोगों को दाम नहीं दिए जाते। हम लोगों को 5,000 मानदेय मिलता है जिसपे हमारे पूर्ति भी नहीं होती है। दूसरी बात, हम लोगों को परमानेंट किया जाए, क्योंकि जब 60 वर्ष के बाद हम लोगों को बिठाल दिया जाता है तो हम लोग ना तो घर के कार्य के हेतु रहते हैं और ना ही किसी मतलब कमाई के हेतु रहते हैं, इसलिए हमारी इज्जत दोनों तरफ से बेकार हो जाती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अरूसी ब्लॉक हमारा लहार है, और हम आंगनवाड़ी पर 9 से 4 बजे तक टाइम देते हैं। आंगनवाड़ी बच्चों को है उनकी सेवा, गर्भवती रात्रि की देखभाल पूरी करते हैं, पोषण आहार वितरण करवाते हैं, रजिस्टर 18-22 रजिस्टर है जिसको मेंटेन करते हैं, लेकिन इतनी मजदूरी तो बहुत ही कम है। 5,000 रुपये क्या है, कुछ भी तो नहीं है। नहीं, दूसरों को पोषण बना रहे हैं, हम अपने बच्चों को कुपोषण बना रहे हैं, कुछ देख रेख भी नहीं कर सकते उनकी। इतने हमारा तो न्यूनतम वेतन 18,000 से नीचे तो नहीं होना चाहिए। मैं आंगनबाड़ी की सहायिका हूँ, और मैडम हम बताऊँ, सुबह 9 बजे हम आंगनबाड़ी में जाते हैं, और आंगनबाड़ी में जाके हम झाड़ू पोछा लगाते हैं, उसके बाद पानी भरते हैं, और फिर हम बच्चों को घंटी लगाते हैं, बच्चों को बुलाने जाते हैं, फिर उसके बाद खाना नाश्ता बांटती है,
नाश्ता बांटने के बाद फिर खाना बांटते हैं 12 बजे और फिर उनको खेल खिलाते हैं। हमारी आंगनबाड़ी के समय 9 बजे से 4 बजे तक, 4 बजे हम बंद करते हैं। मैडम आप ये बताइए कि हम सुबह घर का काम भी करके जाते हैं, शाम को आके घर का काम भी करते हैं और ये हमारी तनख्वाह है, वेतन मतलब हमारी है कितनी 2500 रुपये। क्या 2500 रुपये में हमारा खर्चा चल पाएगा क्या? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पे जो उसको 5000 मिल रहा है, क्या वो अपने परिवार को चला पाएगी? उसके बच्चे तो भूखों मर रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भूलकर बैठे हुए हैं? जब वो शिक्षकों को छठा वेतन दे सकते हैं, सातवां वेतन दे सकते हैं, तो क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वो मतलब मैं नियमित नहीं कर सकते? क्या उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दे सकते?